बकरियों का निकालूंगी दूध चाय बनाने के लिए। रुकिन तो कांटा और गया। तो हम सुबह 8 बजे के आसपास उठ गए थे। तो आने के बाद में खाना खोना खाने के बाद में थोड़ी बहुत नींद मिली, तो उसके बाद में अभी हम जाएंगे थोड़ा बहुत घर का काम करके खेत के अंदर जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे खेत के अंदर फसल कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और उसके अंदर मीनार भी करेंगे। तो एक बार कर लेते हैं साथ, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत के अंदर और खेत के अंदर गौतम की दादी माँ वो खेत के अंदर निनान कर रही है और मैं भी थोड़ा बहुत घर के अंदर काम करती हूँ। ये पानी की बोतल लेके जा रही हूँ उनके लिए और मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी खेत के पास। ये देखिए इस तरह पड़ा हुआ है और उधर हमारी बकरियां चल रही है, वो देखिए बकरियां गाय आदि सब चल रही है और उधर बाजरे की फसल वो देखिए वहाँ पर निनान कर रहे हैं और इसके अंदर अभी फसल वही है कि मूंग चमड़ा मोट कुंवर। अभी देखिए हम कर रहे हैं निनान और ये हमारे पास कसी, इसे हम कर रहे हैं निनान। ये देख निनान करने के बाद बाजरी ऐसी लगने लग जाती है तो हमने यहाँ वहाँ से लेके वहाँ तक तो फांस डा दिए, वो खेजड़ दिख रही है ना, उसके बाद में यहाँ से अब वापस लेके जा रहे हैं। और अभी सासू माँ वो घर पर चले गए हैं और उधर हमारी गायें चल रही है। अभी आज ना सुबह से बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, उमस सी हो रही है, गर्मी हो रही है। अभी यहाँ पर हम बैठ के पी रहे पानी। तू पी ले। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापिस, यानी कि 7 बज गए और अभी गोता वो तो दीपक कैसे कट रखा एकदम खेल दे। तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, पसंद आया तो लाइक तो कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। कंटो और गट गया मारो तो थैंक यू, बाय।